अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक पोटे गुरु, मैं आपको विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे रीशेड्यूलिंग ऑफ मार्च 2018 ऑनलाइन एग्जामिनेशन साइकिल ऑफ डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज, नेमली BCC, CCC और CCC+ एंड ECC। तो ये कुछ चेंजमेंट किए गए हैं जो मार्च में आपके CCC, BCC, ECC और बेसिक स्तर के जितने भी आपके NLT के कोर्स होते हैं तीन चार, उनमें कुछ चेंजमेंट किया गया है, उनकी वो डेट में चेंजमेंट किया गया है, एग्जामिनेशन में चेंजमेंट किया गया है। तो उस रिकॉर्डिंग की ये वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट ने मार्च एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और जिनके एग्जाम लगे हुए हैं मार्च में, क्योंकि आज 16 फरवरी हो चुकी है, तो मे भी हो सकता है कि आपको लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एंड ऑफ द मंथ में आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन NLT ने कुछ जारी की है। तो उसको समझ लेते हैं क्या है ये। तो इसमें आपका कुछ चेंजमेंट किया गया है, तो कुछ चेंजमेंट इस प्रकार से PDF में पर अवेलेबल अभी आपको दिखाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो प्लीज़ वो इस वीडियो जरूर देखें, जिससे कि उनका एग्ज़ाम ना छूटे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से NLT ने ये 13 फरवरी नोटिफिकेशन जारी किया, पब्लिक नोटिस है ये, देख सकते हैं आप। अभी आपको पढ़ के बता देते हैं इसमें क्या आपका दिया गया है। तो देख सकते हैं सेम वही चीज़ है, रीशेड्यूलिंग ऑफ मार्च 2018 ऑनलाइन एग्जामिनेशन साइकिल ऑफ डिजिटल लिटरेसी कोर्स, नेमली BCC और CCC, CCC+ एंड ECC एग्जाम। तो इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल स्टेट होल्डर डैट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट इन कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी कोर्सेस मार्च 2018, विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग मार्च 3 से 9, यानी कि 3 से 9 के बीच में होने थे, जिसको ड्यू किया गया है ड्यू टू अप्रॉक्सीमेटली ऑफ होली फेस्टिवल के संदर्भ में, होली फेस्टिवल के चलते, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपको होली फेस्टिवल है जो कि 1 तारीख को है। तो एग्ज़ाम जो आपके रखे गए थे वो 3 से 9 के बीच में रखे गए थे पहले, तो उसको होली के संदर्भ में चेंज करके एग्जामिनेशन डेट हैज़ बीन चेंज टू मार्च 10 टू 16 2018, यानी 10 से 16 के मार्च के बीच में अब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो पहले आपके 3 से 9 के बीच में एग्ज़ाम रखे गए थे मार्च में, जो भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था मार्च एग्ज़ाम के लिए उनके एग्ज़ाम 3 से 9 के बीच में होने थे, जिसको अब कैंसिल कर दिया गया है होली फेस्टिवल के संदर्भ में, तो वो एग्ज़ाम आपके 10 से 16 के बीच में होंगे। तो जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, एग्ज़ाम डेट आपको पता ही चल गई है, पहले आपको एग्ज़ाम डेट नहीं पता थी। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था फ्लैश पे, लेकिन अब PDF जारी हुई है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो पहले आपके 3 से 9 के बीच में एग्ज़ाम होने थे, तो अब आपके एडमिट कार्ड हो सकता है कि ये 3 तारीख के बाद ही डाउनलोड हो, मे बी मार्च में हो सकता है डाउनलोड हो 3 तारीख के बाद, यानी कि 10 से पहले आपके 3 से 10 के बीच में हो सकता है, होली फेस्टिवल की छुट्टी रहे इस वजह से, तो हो सकता है फरवरी में आपको एडमिट कार्ड ना मिले, 1-2 दिन पहले मिले। तो डेट जो आपकी आई है वो 10 से 16 मार्च के बीच में आपका CCC मार्च 2018 के एग्ज़ाम होगा, CCC, BCC, CCC+ ECC कोई भी आपके फॉर्म अप्लाई किया हो, तो उसको होली फेस्टिवल के संदर्भ में चेंज किया गया है और वो आपके 10 से 16 के बीच में होंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान रखें और अपने एग्ज़ाम डेट को भी ध्यान रखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।